ऐसा क्या हो गया जो सपा विधायक को लगानी पड़ रही अपनी जान की गुहार? अखिलेश यादव से मिलकर सपा विधायक ने रोया अपना दुखड़ा, जान माल के खतरे से कराया अवगत। योगी सरकार में विधायकों तक की जान के लाले पड़ रहे हैं, डरे सहमे विधायक लगा रहे गुहार। विधायक के गनर को पीट दिया गया, कार्बाइन छीन दिखाया गया खौफ। अखिलेश यादव को दिए पत्र में विधायक ने बताई आप बीती निजी यात्रा के समय हुई थी घटना। योगी सरकार में एक तरफ जहां अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विधायकों तक को अपनी जान बचाने के लाने पड़ रहे हैं। भाजपा सरकार के राजनीति करने के अंदाज ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। पहले चौतरफा घेर कर सपा के विधायक आजम खान की विधायकी खत्म करवाई गई और अब सपा के एक और विधायक पर जान माल का खतरा मंडराने लगा है। डरे सहमे विधायक ने सपा सुप्रीमो के पास पहुंचकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से सपा विधायक सुहेब उर्फ मन्नू अंसारी के सुरक्षा कर्मी को कुछ बदमाश ने श्रमजीवी एक्सप्रेस में ट्रेन में यात्रा के दौरान मारपीट कर घायल कर दिया था। सुरक्षा कर्मी को घायल करने के बाद बदमाश उनकी कार्बाइन छीनकर फरार हो गए थे। सुरक्षा गार्ड पर हमले के बाद एसपी विधायक अंसारी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलकर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता को साझा किया है। इस आशय का एक पत्र भी मन्नू अंसारी ने अखिलेश यादव को सौंप कर प्रदेश सरकार से उनकी सुरक्षा के बारे में वार्ता करने का आग्रह किया। सुहेब अंसारी ने अपनी सुरक्षा के बाबत अखिलेश यादव को लिखे पत्र में घटनाक्रम का जिक्र करते हुए बताया है कि 22 अक्टूबर को वह अपने परिवार के साथ जम्मू कश्मीर की निजी यात्रा पर गए थे। वापसी में 25 अक्टूबर को उन्हें अपने परिजनों के साथ दिल्ली से लखनऊ हाईवे यात्रा करने पहुंचना था। इसकी जानकारी उन्हें अपने सुरक्षा कर्मी राकेश को पहले ही दे दी थी। वह एयरपोर्ट से उन्हें रिसीव कर ले, इसी बीच विधायक अंसारी को फोन पर सूचना मिली। उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने जा रहे उनके सुरक्षा कर्मी पर जानलेवा हमला हुआ। यह हमला सुरक्षा कर्मी के श्रमजीवी एक्सप्रेस वे से लखनऊ जाने के दौरान किया गया। हमले में जख्मी हुए सुरक्षा कर्मी की सरकारी कार्बाइन भी छीन ली गई। घायल सुरक्षा कर्मी को गंभीर हालत में लखनऊ के ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया गया है। सुहेब अंसारी के अनुसार वह रात करीब 11:15 पर लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंची और वहां से सीधा ट्रामा सेंटर जाकर सुरक्षा कर्मी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल की। वहां अंसारी को बताया गया कि उनके सुरक्षा कर्मी की हालत गंभीर बनी हुई है, वह CCU में एडमिट है। विधायक अंसारी ने पत्र में यह भी लिखा है कि उन्हें सरकारी खर्चे पर 2 सुरक्षा कर्मी दिए गए थे। एक सुरक्षा कर्मी घायल होकर लखनऊ में एडमिट है, वहीं दूसरे सुरक्षा कर्मी को इस घटना को लेकर जांच के लिए प्रशासन ने बुला लिया था। उन्होंने बताया कि वह बिना किसी सुरक्षा कर्मी के ही अपने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए लखनऊ से गाजीपुर पहुंचे। फिलहाल उन्हें गाजीपुर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा कर्मी उपलब्ध करा दिया गया है और वह वापस लखनऊ पहुंच चुके हैं। हालांकि इस घटना के बाद विधायक निजी तौर पर भी अपने सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए हैं। पुलिस अपनी जांच कर रही है, लेकिन इस घटना ने सियासतदानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।